मेरा नाम जेपी जिंदल है, मैं पंचकुला सेक्टर 9 में रहता हूँ। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड 137 के आसपास। तो वेट के अलावा मेरे को दो तीन प्रॉब्लम्स थी। एक तो मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम थी, दूसरा मुझे स्लीप एपनिया था। तो ड्राइव करते करते मुझे नींद आ जाती थी, जैसे ही रेड सिग्नल होता था 3 मिनट के लिए तो मैं सो जाता था। तो मुझे डॉक्टर साहब का पता चला, डॉक्टर अमित गर्ग का मेरे रेफरेंस है कि ये बैरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव किया कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो शुरू में तो मैं डर रहा था, पर दो तीन बार डॉक्टर साहब से मिलने के बाद तो मैंने मन बना लिया अपनी सर्जरी करवाने का। तो फिर मैंने अपनी सर्जरी करवाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर्जरी बहुत अच्छी सर्जरी हुई, मुझे पता भी नहीं चला सर्जरी का, और बिल्कुल 2 दिन में राउंड में ठीक हो गया। पेन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। धीरे धीरे मैंने खाना शुरू कर दिया, पहले सॉफ्ट डाइट ली, फिर सेमी सॉलिड ली। तो आज मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया पूरा सर्जरी करवाए हुए, और मैं बिल्कुल फिट हूँ। और 15 किलो वेट मेरा 1 महीने में लॉस हो गया, और शर्ट्स पैंट्स मेरी सारी लूज़ हो गई। और ठीक है, कुल मिला के बहुत अच्छी है, और धीरे धीरे और भी ठीक हो जाएगा। और स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल ठीक हो गई, रात को पूरी नींद आती है। घर आते मुझे बहुत आते थे, घर वाले भी परेशान थे, तो वो भी मेरी प्रॉब्लम सारी ठीक हो गई है बिल्कुल। बीपी मेरा ठीक है, नॉर्मल रहता है बीपी मेरा, बल्कि 80-120 तो कभी मेरा आया ही नहीं था मेडिसिन लेने के बाद भी। सर्जरी के बाद मेरा इतना मेंटेन रहता है 80-120। 1 महीने से मैंने मेडिसिन नहीं ली जब से मैंने सर्जरी करवाई है। ये थोड़ा सा एंकाइलोडिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, उससे क्या था भी मेरी ना बोन्स में कैल्शियम जमा हो जाता था, तो मुझे उस चीज़ में भी रिलीफ लग रहा है। ऐसे मेरी नेक मूवमेंट पहले कम होती थी, अब थोड़ी सी नेक मूवमेंट भी मेरी बढ़ी है। वेट कम होने से मेरी थोड़ी सी मतलब स्पाइन भी थोड़ी ठीक हुई है उस चीज़ से। बॉडी में एक्टिवनेस आ गई ज़्यादा। पहले मैं घर में यही होता था, अभी जहाँ जाता था बैठ जाता था, अब मुझे ये अभी मैं चलूँ अपना काम करूँ। 15 किलो वेट मेरा कम हो गया, उससे एक्टिवनेस बढ़ी है मेरी बॉडी में। नींद अच्छी आने लग गई, माइंड फ्रेश रहता है। अच्छी क्वालिटी फूड अब मेरे अंदर जा रहा है, तो अंदर से बॉडी तो सेट हो ही रही है मेरी।